हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल ओएमके क्रिएशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीकर के बारे में। स्पीकर जो कि आउटपुट डिवाइस का थर्ड नंबर कंपोनेंट्स भी है। तो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू जान पाएंगे कि स्पीकर क्या है, स्पीकर के यूजेज क्या है और स्पीकर कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके जानते हैं। स्पीकर इज अ डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी स्पीकर को एक विद्युतीय उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी इसे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहा जाता है। जो विद्युत से चलता है यंत्र, उसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहा जाता है। और स्पीकर भी विद्युत से चलने वाला ही एक उपकरण है। यूज टू मेक साउंड और म्यूजिक लाउडर, जिसका उपयोग जो है वो ध्वनि और संगीत को लाउड बनाने के लिए किया जाता है। लाउड मतलब कि ज़्यादा लोगों को सुनाई दे वो ध्वनि, यानी कि ज़्यादा दूर तक सुनाई दे, इसके लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ स्पीकर इज हाउ म्यूजिक इज लिसन टू इन ए कार, यानी कि स्पीकर का एग्जाम्पल है कि कार में संगीत को कैसे सुना जाता है। यानी कि कोई कार में म्यूजिक बज रहा है तो हम लोग उस म्यूजिक को कैसे सुनते हैं। तो आइए इसे मैं डिफाइन करता हूँ। द डिफिनीशन ऑफ स्पीकर इज ए स्पीक्स पर्सन और ए पर्सन गिवन ए स्पीच, यानी कि स्पीकर का जो परिभाषा है, यानी स्पीकर को हम लोग हिंदी में वक्ता कहते हैं। वक्ता की जो परिभाषा है, जैसे कोई बोलने वाला पर्सन या कोई भाषण देने वाला पर्सन, यानी कि लेक्चर जो देता है उसे हम लोग कहते हैं लेक्चरर, वो भी हो सकता है एक स्पीकर। तो जो पर्सन बोलता है और जो पर्सन भाषण देता है उसी को हम लोग स्पीकर कहते हैं। ए एग्जाम्पल्स ऑफ स्पीकर इज द पर्सन हु पीपल हैव गैदर्ड अराउंड टू हियर टेक अबाउट समथिंग, यानी एक स्पीकर का एग्जाम्पल, यानी एक वक्ता का एग्जाम्पल क्या है। तो एक वक्ता वह व्यक्ति होता है जो बहुत सारे लोगों को एक ही बार में संबोधित करता है, इकट्ठा करके, उसे ही हम लोग स्पीकर कहते हैं। यानी कि एक ग्रुप्स को संबोधन करना है तो एक जो पर्सन उस ग्रुप का संबोधन कर रहा है, यानी कि जो उस ग्रुप में कोई व्यक्ति खड़ा होके बोल रहा है, उसे ही हम लोग स्पीकर कहते हैं। अब कंप्यूटर में भी स्पीकर का मतलब यही होता है कि हम लोग ऑडियो या वीडियो जो देखते हैं या सुनते हैं, तो स्पीकर के माध्यम से ही हम लोगों को ध्वनि सुनाई देती है। तो स्पीकर इंसान को भी कहा जाता है और स्पीकर ये भी हैं जिसका उपयोग हम लोग कंप्यूटर्स में भी करते हैं। तो स्पीकर का मैंने यहाँ पे बताया ही, यहाँ पे ही स्पीकर का डेफिनेशन समाप्त हो चुका था। बट एग्जांपल्स के लिए मैंने बताया कि ह्यूमन बीइंग भी एक स्पीकर के रूप में होते हैं। तो मैं एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ इस डेफिनेशन को। स्पीकर इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी कि स्पीकर को एक विद्युतीय उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी इसे विद्युतीय उपकरण माना जाता है। यूज टू मेक साउंड और म्यूजिक लाउडर, जो म्यूजिक और साउंड को क्या करता है, लाउड बनाता है। एंड एग्जांपल्स ऑफ स्पीकर इज हाउ टू म्यूजिक लिसन टू इन ए कार, यानी एक स्पीकर का एग्जाम्पल है कि हम लोग कार में म्यूजिक को कैसे सुनते हैं। The definition of speaker is speaks person or person given a speech, यानी कि स्पीकर का जो उदाहरण है वो कोई बोलने वाला पर्सन या कोई भाषण देने वाला पर्सन हो सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि एक पर्सन एक ग्रुप को कैसे संबोधित करता है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके। तो स्पीकर आप लोग अगर जान पाएँ तो अच्छा है। और ये रहे कंप्यूटर के स्पीकर, ऐसे ही दिखाई देते हैं। ये जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, ये सब कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। आइए आगे देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीकर, यानी स्पीकर कितने प्रकार के होते हैं। ये सारे कंप्यूटर्स के स्पीकर हैं जो कंप्यूटर में यूजेस होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग गाने लाउड सुन सकते हैं, बेस वाला सुन सकते हैं, ट्विटर वाला सुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं। देयर आर सिक्स टाइप ऑफ स्पीकर, यानी कि छः प्रकार के होते हैं स्पीकर। पहला है
ट्वीटर, दूसरा है मिड रेंज ड्राइवर, तीसरा है लो रेंज ड्राइवर, चौथा है बूफर, पांचवा है सब बूफर और छठा है फुल रेंज ड्राइवर। तो ये सारे जो हैं वो स्पीकर के एग्जांपल्स हैं जिनका उपयोग स्पीकर को बनाने में किया जाता है। तो इनसे कई प्रकार की ध्वनि निकलती है, कई में ऐसा होता है कि पूरा म्यूजिक की झनकार होती है जो पूरे लोगों को झूमने पे मजबूर कर देता है, जिसे कहा जाता है, जिसे बूफर होता है, जिसमें लोग डीजे कहते हैं, जिसे जिसमें लोगों को लगता है कि ये झूमने के लिए बनाया गया है। तो ये थे सारे स्पीकर के एग्जांपल्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब का जो स्पीकर्स के टाइप्स हैं इनके बारे में भी मैं बताऊं, तो आप कमेंट करें, क्योंकि ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। अगर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को देखें, सारे वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। बहुत जल्द मेरे और भी वीडियो जाने वाले हैं। मैं इन वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जल्दी आप लोग कहीं से मिल नहीं पाता है और सब लोग कोर्स के चक्कर में ही इसे छोड़ देते हैं। तो मैं इसी कारण से ये सारे वीडियोज़ को पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कोई ऐसा आउटपुट या इनपुट ड्राइव्स न बचे जिससे आप लोग न जानते हों। अगर आपको भी लगे कि कोई मतलब इनपुट या आउटपुट डिवाइस छूट गया है तो उसे आप कमेंट में दीजिए, मैं उसको वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अगर आपका कोई भी सजेशन हो या कोई भी बात हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर दें, जिससे मेरे को पता चले कि आपने मेरे वीडियोज़ को देखा है या मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो जो इन्फॉर्मेशन मैं बता सकता हूँ। तो आप ज़रूर पूछें, मेरा मकसद यही है कि सब शिक्षित हो घर पे, क्योंकि लॉकडाउन बहुत जल्द और बढ़ने वाला है, सुनने में आ रहा है। तो हम लोगों का जो उद्देश्य है शिक्षा देने का, वो हमेशा यही रहेगा और बदलेगा नहीं। और ये जो यूट्यूब्स पे स्टडी का जो पैटर्न है, मैं इसे हमेशा के लिए रखूँगा और आप हमेशा ही पढ़ सकोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को।